ब्रह्मांड का अस्तित्व एक खेल की तरह है, लेकिन हमारी जिंदगी एक जंग की तरह है। और तभी जो इंसान ब्रह्मांड को समझ लेता है वो एक संत बन जाता है, लेकिन जो जिंदगी को समझ लेता है वो एक योद्धा बन जाता है। इसलिए अगर आप लाइफ को मास्टर करना चाहते हो, देन यू नीड टू बी अ वॉरियर। यू नीड टू हैव एन आयरन एटीट्यूड। तुम्हारा मन इतना ताकतवर होना चाहिए कि तुम्हें जिंदगी चाहे जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश कर ले, तुम उसको बोलो बस इतना ही है तेरे बस में। जितनी ज्यादा हमारी लाइफ में मुश्किलें होती हैं, उतने ही हमारे पास तरीके होते हैं ग्रो करने के। जैसे एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आप हमेशा अपने डिसाइपल्स को इतने सारे तरीके सिखा रहे होते हो खुद को लिबरेट करने के, एक्चुअल में कितने तरीके हैं? तो शिव जी ने बोला, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने कण हैं उतने ही तरीके हैं लिबरेशन के। लेकिन हम आम इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि फिजिकल रियलिटी ही हमारा बंधन है। बट एक वाइज इंसान जो होता है वो इन सो कॉल्ड नेगेटिव चैलेंजिंग चीज़ों की डेप्थ में जाता है, और उसे वहां पर हमेशा उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का सोल्यूशन मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में हर वैल्यूएबल चीज आम इंसान की नजरों से दूर रखी गई है ताकि वो चीज मैली ना हो। जैसे सोल्यूशन को छुपाया गया है क्वेश्चन की गहराइयों में। परम सुख मिलता है परम दुख को समझने से, और बिल्कुल ऐसे ही सक्सेस को छुपाया गया है चुनौतियों और मुश्किलों के बीच। यानी अगर आप लाइफ में जीतना चाहते हो तो आपको खुद जीत का नहीं बल्कि हार का मास्टर बनना है। अगर आप कुछ भी करके बस हारो ना, तो जो अकेली पॉसिबिलिटी बचेगी वो होगी आपकी जीत की। इतनी सारी मूवीज में भी जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा होता है तब उन्हें ऐसे ही डिपिक्ट करा जाता है कि या तो वो उस समय पर गाना गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, या फिर मौत को अपने सामने देख हंस रहे थे। उन्होंने अपने कोर्ट में एक बात बोली जिसने मुझे बहुत ज्यादा टच करा। उन्होंने बोला कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। ये मतलब होता है आयरन एटीट्यूड होने का, कि मेरा पर्पस मेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं उसे बिना पूरा करे हार नहीं मान सकता। लेट्स मेक दिस द पॉइंट नंबर वन। यानी एक आयरन एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको हार मानना बंद करना है। बहुत से लोग ये बोलते तो हैं कि नेवर गिव अप और कभी हार मत मानना, बट दिस इज व्हाट इट मींस, कि मेरी डेथ भी मेरे पर्पस के आगे बहुत छोटी है। नंबर टू, डोंट लुक फॉर मोटिवेशन, लुक फॉर पर्पस। कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था RRR। उसमें एक सीन में हीरो के दोनों हाथों को बांध दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि वो अपने पैरों पर गिरकर माफी मांगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ मिनट, कि यहां पर हो क्या रहा है। एक इंसान के दोनों हाथों को बांध दिया गया है, उसको कोड़ों से मारा जा रहा है, उसका पूरा शरीर छिल चुका है, हर जगह से खून बह रहा है। और इस मोमेंट में जो चीज़ एक इंसान को सस्टेन कर सकती है, जो चीज़ एक इंसान को रीजन दे सकती है जिंदा रहने का, वो कभी भी कोई मोटिवेशन नहीं होगी, वो होगा उसका पर्पस। और इस सीन में भी यही दिखाया जाता है कि वो गाना गाने लगता है और खुद को याद दिलाता है कि उसका पर्पस क्या है और क्यों ये दर्द वर्थ करता है। कभी भी किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन मत ढूंढो, क्योंकि मोटिवेशन आती है डिजायर से और हमारी डिजायर आती है ईगो से। कभी भी आप लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किलों को फेस करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगे। जैसे अगर हम दान देने की बात करें, अगर आपको दिख रहा है कि किसी को जरूरत है खाने की, पैसों की, और आपके पास वो चीज़ है जिससे उसका भला हो सकता है और आप इस वजह से दान देते हो, देन दैट्स गुड। बट अगर आप दान देते हो बिकॉज आपको दान देना अच्छा लगता है, आपको इच्छा है दान देने की, देन इट इज कमिंग आउट ऑफ योर ईगो। और यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रीजन हो, एक इंसान दान तो दे रहा है ना। बट फर्क पड़ता है, बिकॉज अगर एक इंसान सिर्फ वही काम कर रहा है जिस काम को करने के लिए वो मोटिवेटेड है, तो वो जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जितनी भी उसमें पोटेंशियल है, वो उसे कभी रीच नहीं करेगा। एंड इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट योर सेल्फ दैट यू नेवर रीच योर पोटेंशियल। इवन कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर एंड्री ह्यूबरमैन की, और वो वहां पर यही बता रहे थे कि जब भी हमारी नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं तब ये चीज हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है वेकफुलनेस का, अलर्टनेस का। और यही सेम चीज तब होती है जब हम एक बड़ा पर्पस सेट करते हैं, जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं और जब हमारा निशाना सितारों की तरफ, चांद की तरफ होता है। बिकॉज वेन एवर वी एम रियली हाई, तब हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, हमारे अंदर की आग ही काफी होती है हमें आगे पुश करते रहने के लिए। नंबर थ्री, डिमांड अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन जिंदगी में मुश्किलों को खुली बाहों के साथ इनवाइट करना, ऐसा पागलपन सिर्फ एक हीरो ही कर सकता है। एक इंसान जो डेस्टिन्ड होता है आगे चल के एक हीरो बनने के लिए, उसको शुरुआत में ही नहीं पता होता कि वो आगे चल के एक हीरो बनेगा, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसके ऊपर बोझ बढ़ता है, वैसे वैसे उसको ये समझ आ जाता है कि जिस तरह से दूसरे लोग इस बोझ के नीचे दब रहे हैं वैसे वो नहीं दब रहा, और ना ही वो कोई एक्सक्यूजेस बना रहा है। स्टोरीज में भी विलन्स और एनिमीज को ऑलमोस्ट अनकिलेबल दिखाया जाता है। जैसे रामायण में रावण के 10 सर होते हैं और जिस भी सर को काटा जाता है वहां से एक और सर फिर से उगाता है।
ग्रीक मिथोलॉजी में भी एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है हाइड्रा, और उसके भी मल्टीपल हेड्स होते हैं। जिस भी हेड को काटा जाता है वहां से दो हेड फिर से उगाते हैं। इवन काली माता की भी कई स्टोरीज हैं जहां पर एक असुर होता है जिसका नाम होता है रक्त बीज, जिसको जब भी मारने की कोशिश करी जाती है और उसकी खून की एक भी ड्रॉप जमीन पर गिरती है तो उसमें से मल्टीपल रक्त बीज और निकल आते हैं। एक विलन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक हीरो ऐसा क्या करेगा इतने स्ट्रांग ओपोनेंट को हराने के लिए। एक विलन एक हीरो की हैसियत के बारे में बताता है, और एक स्ट्रॉन्ग विलन एक हीरो को फोर्स करता है अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करके अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। जिस तरह सुबह सुबह हमारी बॉडी हमें नींद से जगाने के लिए हमारे शरीर में स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल रिलीज करती है, वैसे ही हर तरह का स्ट्रेस या फिर अनफेवरेबल सिचुएशंस आपके पास आती हैं आपको जगाने के लिए। नंबर 4, मेक योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अपने एक लेटर में रोमन जनरल जूलियस सीजर ने अपनी एक इजी विक्ट्री के बारे में लिखते हुए बोला, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इतने छोटे मैसेज के थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जंग जीतनी उनके लिए कितनी आसान, तेज और ऑब्वियस थी। जो भी इंसान हाईली केपेबल होता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो एक राजा हो, एक वॉरियर हो या फिर एक सेंट हो, वो कभी भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ऐसे लोग ये बात जानते हैं कि केपेबिलिटी बताई नहीं, दिखाई जाती है। इसलिए खुद के बिहेवियर को बदलो और खुद की तारीफ करते रहने के बजाय तारीफ के लायक काम करो। नंबर 5, ऑल डीपली इन लव। ये बात शायद ज्यादातर लोगों को समझ ना आए कि एक वॉरियर का प्यार से क्या रिलेशन हो सकता है, क्योंकि लड़ाई करना तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्यार करने के। बट बिना प्यार के इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज लव मेक्स अस डेंजरस। आपने देखा जब भी एक जानवर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तब वो कितना ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। जैसे एक भालू या फिर एक गोरिल्ला ऑलरेडी काफी खतरनाक होता है, बट वो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है जब भी वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा जस्ट डू इट फॉर योर फैमिली, ऑल्दो आप बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर आप फैमिली के लिए भी कर रहे हो, बट फॉल इन लव विथ समथिंग बिगर देन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। द बिगर द गोल द बेटर, बिकॉज किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए आप एक बड़ी लड़ाई लड़ोगे।